बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशीर अली और आप देख रहे हैं मोबाइल 2.0। अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं, जॉब लेकर जाना चाहते हैं, जॉब अप्लाई कर रहे हैं लेकिन आपको जॉब नहीं मिल पा रही, या आपको समझ नहीं आ रही कि आप किस तरह से जॉब ले सकते हैं, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा ऑप्शन लेकर आया हूं जो कि एक रिक्रूटमेंट इवेंट है। इस इवेंट के अंदर जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, अपनी सीवी अपलोड करेंगे, तो जितनी भी कंपनीज, जितने भी एम्प्लॉयर्स इस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, वो उसको एक्सेस कर सकते हैं आपकी सीवी को, और अगर उनको सूटेबल लगती है आपकी सीवी तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको हायर कर सकते हैं। ये एक वर्चुअल रिक्रूटमेंट इवेंट है और इंटरनेशनल है, और ये कनाडा का एक प्रोविंस है, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की जो गवर्नमेंट है उसके अंडर ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, गवर्नमेंट इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के अपनी सीवी को अपलोड कर देंगे, और जब कंपनीज जो होंगी उसको एक्सेस करेंगी तो आपके साथ वो राबता कर सकती हैं और आपको हायर कर सकती हैं। होता क्या है कि जब भी कोई वर्चुअल इमिग्रेशन फेयर या रिक्रूटमेंट फेयर ऑर्गेनाइज करवाती है गवर्नमेंट, तो वो एक लेजिटिमेट इवेंट होता है। उसमें आप जब अपनी सीवी अपलोड करते हैं तो जितनी भी कंपनीज गवर्नमेंट के साथ ऑनबोर्ड होती हैं वो उसको एक्सेस करती हैं, और आपकी हायरिंग का जो प्रोसेस होता है वो काफी स्मूथ हो जाता है, बहुत इजीली बाज़ुकात आपकी हायरिंग हो जाती है। तो ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट इवेंट है, इसके अंदर आपको कुछ पे नहीं करना, इसके अंदर आपने कोई बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करनी, इसमें जस्ट आपने सिंपल, बहुत ही सिंपल सी बेसिक सी डिटेल्स देकर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है और अपनी सीवी अपलोड कर देनी है। वो कौन सी वेबसाइट है, किस तरह से आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है और इवेंट कब हो रहा है, ये सारा कुछ मैं आपको ऑन स्क्रीन दिखाता हूं। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकअल्लाह खैर। इस टाइम आपको स्क्रीन पर जो वेबसाइट नजर आ रही है वो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, जो कि कनाडा का एक प्रोविंस है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहां पर अगर आप सामने देखें तो इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट इवेंट्स की हेडिंग है। इस पेज के ऊपर जितने भी रिक्रूटमेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाती है गवर्नमेंट ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, उसकी डिटेल है। नीचे देखें तो आपको एक टेबल नजर आ रहा होगा, इसके अंदर कुछ रिक्रूटमेंट इवेंट्स हैं जो ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं। नीचे अगर आप थोड़ा सा और स्क्रॉल करें तो आपको दो ऐसे इवेंट नजर आ रहे हैं जो जिसकी जो है मंथ शो हो रहा है, डेट। यहां पर एक थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि यहां पर डेट मेंशन नहीं है, इसकी क्लोजिंग डेट या लास्ट डेट कोई नहीं है। लेकिन अगर आप इसको देखें तो अप्रैल 2024 यहां पर दोनों लास्ट जो इवेंट है उनमें लिखा हुआ है। पहला इवेंट जो है वो इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट मिशन है, और उसके आगे जो वर्ड लिखा हुआ वो है कंस्ट्रक्शन, तो इससे हमें पता चलता है कि ये कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है। और उसके आगे जो लोकेशन लिखी हुई है वो है यूके एंड आयरलैंड, तो ये आयरलैंड और यूके के लिए है और खास तौर पर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए है। और अगर लास्ट कॉलम में अगर आप देखें तो वहां पर लिखा हुआ है साइन अप। दूसरा जो इवेंट है वो है अप्रैल 2024 इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट, तो ये इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट है लेकिन ये टैलेंट पूल का नाम दिया गया है इसको, यानी इसके अंदर, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर हर तरह का प्रोफेशन, कोई भी फील्ड आपकी है, कोई भी प्रोफेशन है, आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो लोकेशन है वो वर्चुअल है, और लास्ट कॉलम में लिखा हुआ है साइन अप। हालांकि अगर आप इन दोनों के ऊपर देखें तो जो फरवरी 2024 का इवेंट था वो दुबई, उसकी लोकेशन थी और वो क्लोज हो चुका है और वो हेल्थ केयर से रिलेवेंट था। तो अभी ये लास्ट वाला दिखाने का मकसद क्या है कि क्लोज नहीं हुआ ये, इसके अंदर अभी आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो डेट क्योंकि यहां पर मेंशन नहीं है तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है आप इसकी रजिस्ट्रेशन अपनी करवा लें और अपनी सीवी यहां पर अपलोड कर दें, क्योंकि आपके पास ये एक मौका है अपनी सीवी प्रेजेंट करने का एक ही टाइम में बहुत सारी कंपनीज को, तो ये मौका हाथ से मत गंवाएं, इस वहां पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। अच्छा, अगर तो आप यूके या आयरलैंड में मौजूद हैं और आपकी फील्ड जो है वो कंस्ट्रक्शन है तो ऊपर वाले फॉर्म के ऊपर, साइन अप के ऊपर क्लिक कर दें। नेक्स्ट पेज पर आप जैसे ही आएंगे तो थोड़ी सी डिटेल बताई हुई है, उसके बाद यहां पर एक फॉर्म है जिसमें आप अपना ये सिलेक्ट करेंगे, प्लीज सेलेक्ट योर फील्ड। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर जो सब फील्ड हैं, सब प्रोफेशन हैं, उसके अंदर से आप कोई भी, आपका जो भी प्रोफेशन है, फॉर एग्जाम्पल आप मैकेनिक है, कारपेंटर है, इलेक्ट्रिशियन है, वो सिलेक्ट करें। उसके बाद यहां पर अपना एक्सपीरियंस बताएं कि कितने साल का है, उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दें, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कंफर्म ईमेल, और अपनी रेज्यूमे को यहां पर अपलोड कर दें।
और उसके बाद क्लिक सेव एंड नेक्स्ट, यहां पर एग्री करें इसको चेकबॉक्स को, आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस, उसके बाद नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट। तो इस तरह से आप अपना ये फॉर्म कंप्लीट करके, अपनी सीवी अपलोड करके इस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, अब जो लोग यूके या आयरलैंड में मौजूद नहीं है और कंस्ट्रक्शन, चाहे उनकी फील्ड कंस्ट्रक्शन है या कोई भी फील्ड है, वो ये जो लास्ट वाला इवेंट है इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट टैलेंट पूल वर्चुअल, उसके साइन अप के ऊपर क्लिक कर दें। यहां पर जब आप नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो इस इवेंट के बारे में डिटेल बताई गई है। यहां पर उन्होंने कहा कि प्लीज रजिस्टर एंड प्रोवाइड योर रेज्यूमे और सीवी टू बी कंसीडर्ड बाय एम्प्लॉयर्स दैट आर हायरिंग ऑन प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। तो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के अंदर जो एम्प्लॉयर्स हैं या कंपनीज हैं जो हायर कर रही हैं, वो आपकी सीवी को देख सकते हैं और आपको हायर कर सकते हैं। अगर आपकी सीवी उनको सूटेबल लगी तो आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, और अगर आप उनको इंटरव्यू में अंदर अपना टैलेंट शो करते हैं, अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, अपनी स्किल्स का लोहा मनवाते हैं, तो वो आपको जरूर हायर करेंगे। यहां पर कुछ फील्ड्स बता दी गई हैं। अब यहां पर उन्होंने कहा कि प्लीज सिलेक्ट योर फील्ड ऑफ वर्क। सबसे पहले है हेल्थ केयर, उसके अंदर बाकी सब कैटेगरीज हैं, और उसके बाद है एजुकेशन, उसके अंदर सब कैटेगरीज हैं, फिर आईटी है, हॉस्पिटैलिटी है, ट्रकिंग इंडस्ट्री है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग है और बायोसाइंस है। इस तरह से काफी सारी फील्ड्स हैं, उसके अंदर सब कैटेगरीज हैं, आपकी जो भी कैटेगरी है उसको आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद वैसे ही बिल्कुल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, आपने फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, उसके बाद रेज्यूमे या आपकी सीवी जो भी है वो यहाँ पर सिलेक्ट एंड अपलोड अ फाइल के ऊपर क्लिक करके आपने इसको अपलोड कर देना है। उसके बाद बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल नीचे जाकर टर्म्स एंड कंडीशंस का जो आई एग्री का चेकबॉक्स है उसको चेक करें और सेव एंड नेक्स्ट करें, और आगे जो थोड़ी बहुत डिटेल्स होंगी उसको आप फिल आउट करके आप इस इवेंट के अंदर रजिस्ट्रेशन अपनी करवा सकते हैं। यहाँ पर जो इवेंट है इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं बताई गई और ना ही यहाँ पर इनकी क्लोजिंग या लास्ट डेट बताई गई है। तो आपसे मैं एक दफा फिर यही कहूंगा कि जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है इसमें अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें और ये फॉर्म जो है इसको फिल करें, अपनी रेज्यूमे अपलोड करें और इंतजार करें, अल्लाह से दुआ करें कि आपको जल्द अज जल्द किसी एम्प्लॉयर की तरफ से कॉल आए और आपका इंटरव्यू हो। बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर कर दें, इंशाल्लाह आपको भी इसका स्वाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।